नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं कहानी होल्ड्रा की। स्कैंडिनेविया के जंगलों में अगर आप कभी भटक जाते हैं तो अचानक आपकी मुलाकात किसी आकर्षक नारी से हो सकती है, मगर ऐसी नारी से आपको बच के रहना होगा। इन्हें होल्ड्रा कहते हैं। ये वन की आत्माएं होती हैं जो पत्तों से बनी हुई लंबी पोशाक पहनती हैं और धुंध इन्हें चारों ओर से ढके रखता है। जब ये आपसे मिलते हैं तो इनके अच्छे बर्ताव को देखकर इनकी सच्चाई पता लगा पाना मुश्किल होता है। इन पत्तों वाली पोशाक के अंदर ये अपनी सच्चाई छिपा कर रखते हैं। इनकी एक गाय जैसी लंबी पूंछ होती है, मगर कुछ कहानियों में इनकी पूंछ की तुलना लोमड़ी के पूंछ के साथ भी की गई है। और इनके पीठ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा रहता है जिनमें से पेड़ की शाखाएं निकली रहती हैं। पूरे स्कैंडिनेविया में होल्ड्रा अपनी मनमोहक संगीत और सम्मोहक रूप के लिए जानी जाती है, जो अक्सर मर्दों को भटकाने के लिए काफी होता है। इन भटके हुए मर्दों में से कोई भी अपने घर कभी वापस नहीं जा पाते। या तो ये जंगल की गहराइयों में खोकर रह जाते हैं, या फिर इनसे संभोग के बाद होल्ड्रा स्वयं इन्हें मारकर खा जाती है। और अगर होल्ड्रा को वो ज्यादा पसंद आ जाते हैं तो वो उन्हें अपना गुलाम बना लेती हैं। संभोग के बाद जब किसी होल्ड्रा को बच्चा होता है तो वो उन्हें इंसानों की बस्ती में ले जाकर किसी मानव शिशु के साथ बदल लेती है। प्राचीन नॉर्वे में लोगों का ये मानना था कि अगर कोई बच्चा अपाहिज हो या फिर किसी भयानक बीमारी के साथ पैदा हुआ हो तो वो दरअसल होल्ड्रा का बच्चा है, और होल्ड्रा को उसके किए की सजा देने के लिए वो माँ बाप उस बच्चे को या तो जंगल में फेंक कर आते थे या फिर चूल्हे में फेंक देते थे। स्कैंडिनेविया में दरअसल होल्ड्रा को प्रकृति का ही दूसरा रूप माना जाता है, और वो हमें सिखाती है कि हमें हमेशा प्रकृति के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की शक्ति को कम आंकने पर प्रकृति भी होल्ड्रा की तरह भयानक बन जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।